दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षक वर्ग एक में जो है जीव विज्ञान सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर जो है संभावित कट ऑफ जाने जो जिस प्रकार से जा सकता है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए फाइनल कट ऑफ जब तक नहीं आता तब तक आप जो है श्योर नहीं होते हैं कि आपका कट ऑफ, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ दिया जा रहा है तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको दिया जा रहा है वहाँ पर जो है आपको 101% जो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी कट ऑफ के साथ जो है आपका जो है फाइनल कट ऑफ आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उस लाल बटन पर दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि विज्ञान जो जीव विज्ञान वाला सब्जेक्ट है उनके लिए कट ऑफ क्या जा सकता है 2019 का जो वर्ग एक की मैं अगर आप पर बात करूँ तो देखते हैं क्या कट ऑफ होगा। देखिए पिछले कट ऑफ की तुलना में अगर बात करूँ तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं थोड़ा ऊपर जाने वाला है क्योंकि इसमें जो है 3 गुना ज़्यादा फार्म इस बार डले हैं, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी कट ऑफ हो सकता है। देखिए कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले SC की मैं यहाँ पर बात करूँगा, SC का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो SC का अगर आपका 90 से 100 के बीच अटैम्प्ट है तो आपका जो है कट ऑफ 95 के 105 के बीच जाएगा। अगर इस बीच इसके अंदर जो है आपका अटैम्प्ट है तो आपका जो है बेस्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है। ST की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपको 85 से 95 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच जाने वाला है, ठीक है। दूसरा अगर बात करूँ OBC की तो OBC के लिए जो है थोड़ा हाइएस्ट जाएगा तो यहाँ पर जो है 110 से 120 के बीच कट ऑफ यहाँ पर अगर आपके नंबर है तो बहुत ही मतलब अच्छे नंबर है, ठीक है। और 105 से 115 के बीच जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। आगे देखते हैं जनरल और जो है हैंडीकेप जो है उनके लिए जो है क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात करूँ सबसे पहले जनरल की तो जनरल के लिए कट ऑफ जो है 115 से 120 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 110 से 120 नंबर में कट ऑफ यहाँ पर जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर PH जो मतलब कहना चाहिए हैंडीकेप जो भाई है उनके लिए जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा कितना से मतलब 65 से 75 जो है यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। और जो है यहाँ पर वही कट ऑफ जो है यहाँ पर अगर इतने आपके अटैम्प्ट है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 65 से 65 जो है कट ऑफ जाने वाला है। अब एवरेज कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर तो 85 से 90 जो है यहाँ पर आपके अटैम्प्ट है इसके बीच में तो आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ जो है 90 से 100 के बीच अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका एवरेज कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा, उस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर इनके बीच इन नंबरों के बीच आपके अटेम्प्ट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इस कट ऑफ को देखते हुए आप जो है अपने मार्क्स यहाँ पर कमेंट जरूर करें कि आपका जो है नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ बिल्कुल पसंद आया होगा और पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके नंबर कितने हैं, ठीक है। और जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उस लाल बटन पर दबाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।